हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब कुछ ना कुछ नया बना रहे होंगे। आज की क्लास में हम कैसे हम किसी कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। या तो हम उसको मैन्युअली फोल्ड कर सकते हैं, या हम उसको जो हमें ऑटोमेटिक प्रीसेट दिए गए हैं उसके थ्रू हम फोल्ड कर सकते हैं। तो ये क्लास हमारी दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो हम पहले मैन्युअली सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। लेफ्ट क्लिक करते हुए हम 10x10 का एक स्क्वायर बना लेते हैं रेक्टेंगल की जगह। कीबोर्ड पे ए दबाइए। हमारा सिलेक्ट टूल ऑन हो गया है। ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले इंटरनल लाइंस डालते हैं। इंटरनल लाइंस के लिए हमने आपको बताया था, एडिट टूल्स लीजिए, पहले कीबोर्ड पे अपने जेड दबाइए और जिन दो लाइनों के बीच आपको लाइंस बनानी है उन लाइनों को सिलेक्ट कीजिए। एक लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली है, शिफ्ट दबाइए, दूसरी लाइन सिलेक्ट कीजिए और फिर राइट क्लिक कीजिए। इसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाएगा ऑफसेट इंटरनल लाइंस बिटवीन द सेगमेंट्स। हम ये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लाइंस इंक्रीज कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं रख रहे हम, 4 लाइनों का रख रहे हैं फिलहाल। तो ओके दबाइए। ये देखिए, ये इस तरीके से रेडी हो गया है हमारा। हमारी लाइन्स मर चुकी हैं। अब हम इसको पहले पिन कर लेते हैं, उसके बाद साथ साथ ही हम इसको सॉलिडिफाई कर लेंगे। सॉलिडिफाई करने से ये थोड़ा सा अपनी शेप में रहेगा। हम पहले मैन्युअली फोल्ड जानते हैं, तो मैन्युअली फोल्ड के लिए जेड दबाइए कीबोर्ड पे, एक लाइन पे क्लिक कीजिए। मैंने बाकी सारी लाइनों को पिन कर दिया है, तो मैं इस लाइन पे क्या चेंजेस होते हैं केवल आपको इस लाइन पे दिखाने वाली हूँ। स्पेस बार दबाइए और अपनी रेंडरिंग ऑन कर लीजिए। इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करने के साथ ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे। ये इस लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें फोल्ड के लिए कई सारी डिटेल दी गई हैं, फोल्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, फोल्ड एंगल कितना होगा और फोल्ड रेंडरिंग दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए। तो हम इन बात के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले हम फोल्ड एंगल देखते हैं। इसको सबसे पहले हम ज़ीरो कर लेते हैं, एंटर दबाइए और साथ ही साथ अपनी सिमुलेशन ऑन कीजिए। सिमुलेशन ऑन करते ही देखिए किस तरीके से इस तरफ मुड़ गया है, एक अलग ही बैंड आ गया है। देखिए अगर हम इसको 360 करते हैं तो क्या होता है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट बैंड हो चुका है। तो आप इस तरीके से स्लाइड करते हुए चेंजेस देख सकते हैं कि ये कैसे चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे, हमारा फैब्रिक उसी अकॉर्डिंग घूमता जाएगा। देखिए ये ऑलमोस्ट 87 है, हम इसको 90 कर देंगे तो ये अब 90 के एंगल पे खड़ा है। साथ ही साथ हम फोल्ड रेंडरिंग भी देख लेते हैं कि ये क्या है। फोल्ड रेंडरिंग फ़िलहाल हमारी ऑन है, हम इसको जैसे ही ऑफ करेंगे, ये देखिए ये फोल्ड है पर इसमें एक जो क्रिस्पीनेस थी वो अब चली गई है। ये एक नॉर्मल जो हमारा फैब्रिक होता है, एक नेचुरल जो फोल्ड होता है, इसमें वो है। ये एक पेपर फोल्ड की तरह नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं इस लाइन को फिर से सिलेक्ट करूँगी और ऑन कर दूँगी तो देखिए फिर से जो हमारी क्रिस्पीनेस थी वो वापस आ गई है। ये बिल्कुल ही एज इट इज़ वैसा ही लग रहा है जैसा हमने किया था। हम इसकी सिमुलेशन ऑफ करते हैं और पिंस को थोड़ा कम कर लेते हैं जिससे हम और कुछ देख पाएँ। इतना पोर्शन हमने पिन कर लिया है, फिर से सिमुलेशन ऑन करते हैं। अब हम एडिट टूल अपने कीबोर्ड पे जेड दबाते हुए इसका एंगल भी चेंज करते हैं। तो ये वाली लाइन हमारी फ़िलहाल है 90 पे, तो हम इसका उल्टा कर लेते हैं, 270 कर देते हैं हम इसको। देखिए क्या होता है, ये देखिए ये वाली लाइन हमारी इसके परपेंडिकुलर आ गई है और ये वाली इसके परपेंडिकुलर आ गई है। अब ये एक स्टेयर केस की तरह दिख रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी फोल्ड रेंडरिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग। अब साथ ही साथ हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं।
अब हम देखते हैं कि फोल्ड स्ट्रेंथ क्या है। लाइन सेलेक्ट कीजिए। हम सबसे पहले इसको ज़ीरो पे लेके चले जाते हैं। किसी भी चीज़ को देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको सबसे उसके एक्सट्रीम और उसको सबसे नीचे ले जाइए, मतलब उसकी वैल्यू या तो सबसे ज़्यादा कर दीजिए या सबसे कम कर दीजिए। आपको अपने आप ही फ़र्क दिखने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। तो हम फिलहाल 5 था, पर हम 0 कर लेते हैं इसको, जिससे हम और अच्छे से देख पाएँ। हमारी सिमुलेशन ऑन है, हम इसको स्ट्रेच करके देखते हैं। जो हमारी शेप थी वो इतनी रिजिड नहीं थी। ये देखिए, ये हम खोल सकते हैं। हम फिर से लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इस पर 100 कर देते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने फोल्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो जो हमारा फैब्रिक था वो अपनी पोजीशन में वापस आ गया। वो ऐसे नहीं था कि वो लूज़ हो गया। अब मैं इसको अगर खींचूंगी तो ये फैब्रिक खींचेगा ज़रूर, पर ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। हम साथ ही साथ देखते हैं, अगर हम फोल्ड रेंडरिंग भी ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा। इस पर ऐसे देखने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो हमारा था वो अभी भी है। ये क्रिस्प एज इसका ख़त्म हो चुका है। हम इसको स्ट्रेच करके देखते हैं। ये देखिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। हम अगर इस वाली लाइन की स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 कर देते हैं तो देखिए, अब ये वाली लाइन हमारी कम स्ट्रेंथ की है, सबसे कम, और ये वाली लाइन हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की है। तो ये काम करता है हमारा फोल्ड स्ट्रेंथ। फोल्डिंग की बात चल ही रही है तो हम अपने 3D पैनल में एक और फोल्डिंग का ऑप्शन देख लेते हैं। इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। हम इस लाइन में कोई भी चेंज नहीं कर रहे। इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, आपके 3D पैनल में ऊपर यहाँ पे एक फोल्ड अरेंजमेंट का एक पॉइंट दिया गया है। ये भी आपको फोल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है। पर इसमें आप एक पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको दो लाइन दिख रही होंगी, दो एरो दिख रहे होंगे सर्कल के साथ। एक तरफ रेड है और एक तरफ ग्रीन है। आप किसी को भी लेके घुमा सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं लेफ़्ट क्लिक कर रखा है, मैंने लेफ़्ट क्लिक दबा रखा है और मैं उसको साथ साथ घुमा रही हूँ। इस तरीके से आप मैन्युअली फोल्ड भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपको फोल्ड समझ नहीं आ रहा है, आप फोल्ड एंगल नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी मैन्युअली फोल्ड कर सकते हैं। अपने 3D पैनल में फोल्ड अरेंजमेंट पे जाइए और इस टूल को यूज़ कीजिए। इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको लाइन सिलेक्ट करनी है और वो हो जाएगा। केवल इस तरीके से हमारा ये ऑन है। हमने यहाँ की भी लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 270 है तो हम ये कर नहीं सकते। हम इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इस लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हर लाइन के अपने एंगल्स होंगे, अपना चेंजेस होंगे। ये देखिए, ये वाला इस तरीके से फोल्ड हो रहा है और ये वाला इस तरीके से। तो आप किसी भी तरीके से चाहें तो अपनी लाइन को सेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप किसी भी तरीके की प्लीट बना सकते हैं। हमारी कई तरीके की प्लीट होती हैं, बॉक्स प्लीट, नाइफ प्लीट, या हमारी सिंपल प्लीट जो होती है, अकॉर्डियन प्लीट्स भी होती है, तो वो भी आप बना सकते हैं। ये आपको मैन्युअली काम करने में हेल्प करेगा। अगली क्लास में हम जानेंगे कि हम कैसे दूसरे तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं।